गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू नव भारती फैमिली। सो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी देख के आइडिया तो हो गया होगा। सो टुडे आई एम गोना टीच यू अ पोयम ऑफ क्लास टेंथ, द फर्स्ट पोयम ऑफ क्लास टेंथ, दैट इज रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, रिस्क का मतलब होता है खतरा, ठीक है। एंड दिस पोयम इज रिटन बाय जैनेट रैंड, जैनेट रैंड, ऑल राइट। तो इस पोयम में एक्चुअली में है, मतलब इस पोयम में है क्या, सॉरी मैं बताती हूँ इस पोयम में क्या है कि ये एक मोटिवेशनल पोयम है विच इज़ कम्पोज बाय जैनेट रैंड। और इस पे ये बताया हुआ है कि वट एवर वर्क वी डू, लाइक फ्रॉम लाफिंग टू क्राइंग, फ्रॉम ईटिंग टू रीडिंग और टीचिंग, एवरी वर्क कंटेन्स रिस्क, एवरी वर्क हैज़ रिस्क। जो भी हम काम करते हैं, छोटे से लेकर छोटा, बड़े से लेकर बड़ा, हर काम में खतरा होता है। लेकिन अगर हम ये सोच के कि हर काम में खतरा है वो काम करना बंद कर देंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ये इस पोयम में बता रखा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेंजा। स्टेंजा मतलब पता है, स्टेंजा का मतलब होता है लाइंस ऑफ पोयम। सी, जो हमारी स्टोरीज होती हैं उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, यहाँ पे हम पैराग्राफ्स नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम पैराज नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम स्टेंजाज बोलते हैं। फ्यू लाइंस ऑफ पोयम इज कॉल्ड स्टेंजा, आर कॉल्ड स्टेंजा, ठीक है। फर्स्ट लाइन है टू लाफ, एक बार मैं रीड कर देती हूँ, ठीक है। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनादर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आया कुछ समझ में? नहीं आया मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 ये जो है ये वर्ड मीनिंग्स मैंने मार्क कर रखी है, इनका मैंने हिंदी में यहाँ पे मतलब लिख रखा है, ठीक है, तो इन पे आप ध्यान देना। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कभी सोचा है कि हंसने में क्या रिस्क होगा यार, हंसना तो बहुत अच्छा होता है, लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन है, जस्ट इमेजिन मैं एक क्राउडेड एरिया में खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन एन एरिया फुल ऑफ पब्लिक, फुल ऑफ पीपल, और एकदम से मुझे ना एकदम से बहुत फनी सा जोक याद आ जाता है, ठीक है, अंदर ही अंदर मुझे याद आता है और मैं एकदम से हंसती हूँ, मैं बहुत तेज़ हंसती हूँ। सामने वाले को रीज़न नहीं पता है कि मैं क्यों हंस रही हूँ, लेकिन मैं बहुत तेज़ हंस रही हूँ। सामने वाले क्या सोचेगा, अरे तो पागल है, हुआ ना खतरा। यही चीज़ हमें इस लाइन में बता रखी है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में भी मूर्ख, फूल मतलब मूर्ख, पागल दिखाई देने का खतरा है। आया समझ में? उसी तरीके से इन दैट वे टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा है। कोई रोता है हम क्या बोलते हैं, अरे रो तुड़ू, कितना रोता है तू, रोती है, मतलब हम जज करते हैं, ऐसा होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर है, रोने में भी भावुक दिखाई देने का खतरा है। अपीयरिंग मतलब होता है दिखाई देना, सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी जो थर्ड लाइन है, टू रीच आउट फॉर अनादर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट मतलब होता है किसी की मदद के लिए तैयार हो जाना, किसी की हेल्प के लिए तैयार हो जाना, दैट इज कॉल्ड रीच आउट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंसान की हेल्प कर रही हूँ, वो इंसान गलत है, मतलब वो इंसान दुनिया की नज़रों में बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि उसे मेरी हेल्प की नीड है, तो दुनिया क्या सोचेगी, अरे ये इतना बुरा इंसान है, ये लड़की इसकी हेल्प कर रही है तो ये लड़की भी बुरी होगी। होता है ना, हम कंपेयर कर देते हैं कि ये ऐसा है तो ये इसके साथ भी कंपनी को हम इजीली जज करते हैं, तो ये ऐसा है, इसके साथ जो लड़की है वो इसकी हेल्प कर रही है वो भी ऐसी ही होगी, बुरी होगी। तो किसी की मदद करने में भी खतरा है, किसी की मदद करने में जज होने का खतरा है कि लोग इजीली जज कर देते हैं। टू रीच आउट फॉर अनादर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। आया समझ में? तीनों लाइंस समझ में आई?
हंसने में पागल दिखाई देने का खतरा है, रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा है, और किसी की मदद करने में बुरा बनने का खतरा है। ठीक है ना, हम कि उनको लगता है कि हम उन्हीं की तरह हो जाएंगे, हम पूरा इन्वॉल्वमेंट ही उन्हीं में ले लेंगे। ये चीज़ होती है इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्या होता है, शामिल होना। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो छोटे से छोटा काम, हंसने का भी सोचा कि हंसने में भी क्या खतरा हो सकता है, हर काम में खतरा है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। ऑलराइट, जब तक आप ना इस मीनिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पर। लेट मी रीड। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। आया कुछ समझ में? मैं समझाती हूँ। फर्स्ट लाइन पे अगर हम आए तो, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज का मतलब होता है बाहर लाना, शेयर करना, अंदर की बातें बाहर लाना, एक्सपोज कर देना। ठीक है, अगर कोई फ्रेंकली अपनी फीलिंग्स एक्सपोज कर रहा है, किसी से शेयर कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या खतरा है? इसमें ये खतरा है कि वो अपनी जो ट्रू पर्सनालिटी है, ट्रू सेल्फ मतलब असलियत, इंसान वो असली में कैसा इंसान है, असली ट्रू पर्सनालिटी जो है वो दिखा रहा है, वो रिवील कर रहा है। ठीक है, तो फीलिंग्स फ्रेंकली अगर हम किसी से फीलिंग्स शेयर करते हैं, हमारी फीलिंग्स एक्सपोज करते हैं, उसमें भी खतरा है अपनी पर्सनालिटी एक्सपोज करने का। ठीक है, सेकेंड लाइन है, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अगर मैं अपने जो न्यू आइडियाज हैं, अपने सपने जो हैं, अपने ड्रीम्स हैं, किसी को बता रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी, मेरा सपना है ये बनने का, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? नेव। नेव मतलब भोला भाला, अपनी लैंग्वेज में बोले तो अनाड़ी, और नेव का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनएक्सपीरियंस्ड, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर मैं अपने सपने, अपने आइडियाज़ बता रही हूँ तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? इसके पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसने ज़िंदगी में कुछ करा ही नहीं है, इसको तो करना है, अभी तक तो इसने कुछ करा ही नहीं है, दे विल कॉल मी नेव। तो अगर हम हमारी फ्रेंकली फीलिंग्स एक्सपोज करते हैं तो हमें हमारी ट्रू सेल्फ, हमारी ट्रू पर्सनैलिटी एक्सपोज करने का खतरा है, और अगर हम हमारे आइडियाज़, हमारे सपने लोगों से शेयर करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, तो हमें खतरा है कि लोग हमें नेव या इनएक्सपीरियंस ना बोले। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टैंजा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंजा थ्री। एक्सक्यूज मी। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिसअपीयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। कुछ समझ में आया? मैं समझाती हूँ। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में भी ये हमें खतरा होता है कि हम क्या हमें वो प्यार वापस मिलेगा। इफ वी लव समवन, वी डू एक्सपेक्ट दैट पर्सन शुड लव अस बैक, बट व्हाट इफ डज नॉट हैपन, व्हाट इफ दैट पर्सन डज नॉट लव यू, इट हर्ट्स। ऑलराइट, सो यही चीज़ है कि प्यार करने में भी प्यार ना करवाने का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का खतरा है। बिकॉज द वन हु इज बॉर्न इज श्योर टू डाई, जो इंसान जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही होगा। थोड़ा अजीब साउंड कर रहा होगा, बट दिस ट्रुथ एवरीबडी नोज। जो इंसान इस धरती पे आता है, जो जन्म लेता है, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? मरने का। और वो खतरा जिंदगी भर रहता है जब तक वो इंसान मरता नहीं है। टू लिव, तो इसी तरीके से टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिसअपीयर,
आशा में भी निराशा का खतरा है। हम कोई काम करते हैं तो एक होप होती है कि ये काम, हम एक होप के साथ कोई काम करते हैं कि नहीं ये अच्छा होगा, बहुत अच्छा काम होगा ये, लेकिन काम होने के बाद हमें पता चलता है कि हमने बहुत बुरा करा है, बिल्कुल कुछ भी सही नहीं हुआ, सब गलत हो गया। तो हमें फिर क्या होता है लास्ट में, क्या मिलती है? डिसअपेयर, निराशा। ठीक है, डिसअपेयर का मतलब होता है निराशा। तो वही, टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, होप में भी निराशा का खतरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। अगर इंसान ये सारी बातें अपने दिमाग में रखेगा कि हर काम में खतरा है, और ये सोच के वो काम ही नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो डरता है, असफल होने से वो डरता है। ही हैज अ फियर टू बिकम अ फेलियर। ये सारी बातें, ये सारे रिस्क मैं दिमाग में रखूंगी, मैं सोचूंगी नहीं यार इसमें भी खतरा है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो, क्या होगा अगर मुझे ये चीज़, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो, छोड़ो ना मैं करती नहीं हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम लेट गो कर देते हैं, वी डोंट डू दैट वर्क, लेट इट गो, ये चीज़ गलत है, एटलीस्ट वी शुड गिव इट अ ट्राई। अगर हम एक ट्राई देंगे तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है ना, कि हमने ट्राई भी नहीं करा और हमने खुद ने अज्यूम कर लिया कि है ना ये चीज़ तो गलत होगी, हम फेल हो जाएंगे, तो हमको ट्राई देना ही नहीं है। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो फेल ही होगे ना, ठीक है? तो यही चीज़ है, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। इंसान रिस्क के चक्कर में कि ये सोचिए कि बहुत रिस्क है, वो फेलियर बन जाता है, उसको फेलियर का डर रहता है, ठीक है? तो इसमें यही हमें बता रखा है कि प्यार से लेकर होप तक, जीने तक, मरने तक, हर चीज़ में खतरा है। और इंसान यही सोच के कोई काम करता ही नहीं है, और अगर वो कोई काम करेगा नहीं तो क्या कहलाएगा, व्हाट वी विल कॉल हिम, अ फेलियर, उसको टैग मिल जाएगा एक फेलियर का। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंजा 4। बट द रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। व्हाट डज हैजार्ड मींस, खतरा। हमें रिस्क लेना ही चाहिए क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा ये है कि रिस्क ना लेना। बिकॉज इफ समवन वांट्स टू ग्रो, ही शी हैज टू टेक रिस्क। ठीक है, अगर हम ये सोचेंगे कि इस काम में रिस्क है और हम वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेलियर, हम तो फेलियर कहलाएंगे, लोग हमको फेलियर बोलेंगे, हमने तो ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि रिस्क लेना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा ही खतरा है, एंड वी हैव टू फेस दैट रिस्क टू अचीव समथिंग इन लाइफ, टू ग्रो योरसेल्फ, टू डेवलप समथिंग एंड टू अचीव द गोल और एम। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्टैंजा 5। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पॉइंट सेज दैट इफ अ पर्सन अवॉइड्स रिस्क, इफ अ पर्सन अवॉइड्स रिस्क, दैट पर्सन विल नॉट गेट एनीथिंग इन देयर लाइफ। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो इंसान खतरा नहीं, किसी चीज़ का खतरा नहीं लेता, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वो इंसान कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, वो इंसान कुछ बन नहीं पाता। सो अ पर्सन शुड टेक रिस्क, अ पर्सन शुड गिव इट अ ट्राई टू अचीव something in his life, in their life, all right? देखो, अभी मैंने his की जगह देर, देर की जगह his बोल दिया। पढ़ाने में भी खतरा है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ ना ये सोच के, क्यों पढ़ाने में क्या खतरा है? आप लोग को लगेगा रे मैम को तो कुछ आते ही नहीं है, लेकिन नहीं, गलती तो होगी,
खतरा तो है लेकिन ये सोच के मैं पढ़ाना थोड़ी ना बंद कर दूंगी भाई, नहीं ना। तो यही चीज़ है, रिस्क हर काम में होगा लेकिन आप उस रिस्क को अवॉइड करोगे, उस रिस्क से लड़ोगे, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। योर एग्जिस्टेंस, यू नो, योर एग्जिस्टेंस वुड नॉट रिकॉग्नाइज, यू वॉन्ट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो यू हैव टू टेक द रिस्क टू अचीव समथिंग, यू हैव टू टेक द रिस्क टू गेट समथिंग, यू हैव टू टेक रिस्क टू बिकम समथिंग। All right, this is what these lines says. Stanza. Let me check which stanza it is. Sixth. Stanza. Oops. Sixth. ठीक है, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव। बाय अवॉइडिंग रिस्क दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, अगर वो रिस्क अवॉइड करते हैं, वो खतरा अवॉइड करते हैं, खतरे से बचते हैं, अवॉइड मतलब बचना, खतरे से बचते हैं, तो वो दुख दर्द से शायद बच सकते हैं। अगर कोई इंसान रिस्क नहीं ले रहा है तो वो दुख और दर्द से, सफरिंग मतलब दर्द, सॉरो मतलब दुख, दुख दर्द से बच तो जाएगा लेकिन दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव। दुख दर्द से तो बच जाएगा लेकिन वह लोग ना अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ सीख पाएंगे, ना कुछ फील कर पाएंगे, ना उनकी लाइफ में कोई चेंज आएगा, ना वो ग्रो करेंगे। बाय ग्रोइंग इट मीन्स मेंटली फिजिकली कोई डेवलपमेंट नहीं होगा उनकी लाइफ में, ना वो प्यार उनको मिलेगा, ना वो प्यार करेंगे और लिव, ना वो जी पाएंगे। जब आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आप हो क्यों? भगवान ने इंसान को धरती पे क्यों भेजा है? कोई रीज़न होगा, कुछ अच्छा काम करने के लिए भेजा है। अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आप डर गए हो, तो मतलब आप तो जीने से भी डर रहे हो, क्योंकि जीने में भी रिस्क है, यही चीज़ हो रही है ना। तो इसीलिए जो इंसान रिस्क अवॉइड करता है वो दुख दर्द से तो बच जाएगा लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ सीखेगा, ना कुछ फील करेगा, ना अपनी ज़िंदगी में वो ग्रो करेगा, ना कुछ, ना अपना एम अचीव करेगा, ना उसके सपने पूरे होंगे अगर वो दुख दर्द की वजह से पीछे हट जाएगा, तो रिस्क की वजह से पीछे हट जाएगा तो, ठीक है। सॉरी, आई हैव अ सोर थ्रोट, सॉरी। ऑलराइट, सो वी आर डन विद स्टैंजा सिक्स, नाउ लास्ट स्टैंजा सेवन। Now let's talk about stanza 7. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person risked is truly free. आया कुछ समझ में? Chained का मतलब है बांध कर, बंद कर रह जाना। Certitude का मतलब है निश्चित, absolute, 100%. स्लेव्स का मतलब है गुलाम, जिनकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती है। फोरफिटेड मतलब है खो देना, खो दिया, ठीक है। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, जो लोग अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, सोसाइटी में उनका होना ना होना बराबर होता है। सॉरी, सोसाइटी में उनका होना ना होना बराबर होता है, ठीक है। सोसाइटी उनको, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो एक एब्सोल्यूट चीज़ में बंध के, भावनाओं में, फीलिंग में बंध के रह जाते हैं। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, वो खुद ही की फीलिंग्स में बंध के रह जाते हैं। दे आर स्लेव्स, वह फिर कैसे ज़िंदगी जीते हैं?
गुलाम की जिंदगी जीते हैं, उन लोगों की, जो लोग रिस्क नहीं लेते उन लोगों की खुद की कोई जिंदगी नहीं होती है, वो गुलाम की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ना उनको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, ना उनने कुछ अचीव करा है, तो किस बात की रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। रिस्क ना उठाकर ऐसे लोगों ने अपना जो फ्रीडम है वो खो दिया, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो अपने मन से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि उन ऐसे लोग कुछ अचीव कर ही नहीं पाते ज़िंदगी में जो रिस्क नहीं लेते हैं। ओनली अ पर्सन रिस्क इज ट्रूली फ्री। सिर्फ वो इंसान जो रिस्क लेकर आगे बढ़ता है वही इंसान असल में फ्री होता है, उसी इंसान को फ्रीडम मिलता है, उसी इंसान को सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे ही नहीं तो कौन कौन हमको रिस्पेक्ट देगा? कोई नहीं देगा, सब तो ऐसे समझेंगे जिसने तो कुछ करा ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें रिस्पेक्ट मिली नहीं है, हमने कुछ अचीव करा नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम जी रहे हैं, बस सांस ले रहे हैं, हमारी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है, हमारे खुद के कोई सपने नहीं है, ये चीज़ होती है ना। तो हम इन्हीं सारी बातों में बंध के रह जाते हैं और एक गुलाम वाली ज़िंदगी जीते हैं, खुद के दम पर नहीं, किसी और के दम पर हम जीते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है, हमारा जितना भी फ्रीडम है हम सब खो देते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारी किस्मत ही ख़राब हो जाती है फिर तो, ऐसा होता है। लेकिन जो इंसान रिस्क लेता है, रिस्क लेकर आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, अगर वो रिस्क लेगा तो वो आगे बढ़ेगा तो वो अपना एम अचीव करेगा तो उसको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। और उसको रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकेगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है, उसको सोसाइटी के टॉन्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो वी आर डन विथ पोयम ओनली। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं बताऊंगी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो स्टैंजाज आते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, ठीक है। अभी मेन चीज़ तो अभी बची है, बाकी है ना। तो इस पोयम में यही बता रखा है रिस्क के बारे में कि छोटे से लेकर छोटा, बड़े से लेकर बड़ा, हर काम में रिस्क होता है। और हम ये सोच के कि हर काम में रिस्क है वो काम करना बंद कर देंगे तो हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम हमारी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करेंगे तो हम एक फेलियर बन जाएंगे, और अगर हम फेलियर बन जाएंगे तो सोसाइटी हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगी, हम ऐसा होगा कि वी वोंट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी, दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी, उसका होना ना होना बराबर होगा, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो अपना फ्रीडम खो देगा, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाएगा अगर वो डर जाएगा तो। यू हैव टू फेस द रिस्क टू अचीव समथिंग, यू हैव टू फेस द रिस्क टू ग्रो, यू हैव टू फेस द रिस्क टू लिव योर लाइफ एट योर ओन टर्म्स। ऑलराइट, सो वी आर डन विद पोयम। Now let's talk about, you know that board के exam में किस तरीके से poem आती है, इसका stanza किस तरीके से दिया जाता है और हमें किस तरीके से करना पड़ता है, मैं बताऊँगी। पहले आप meanings लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या, टू लाफ डैश 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 इन्वॉल्वमेंट, फर्स्ट स्टैंजा मैंने उठा लिया, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट स्टैंजा अगर दे दिया एग्ज़ाम में तो हम रेफरेंस क्या लिखेंगे, रेफरेंस में हम लिखते हैं कि ये पोयम, ये जो स्टैंजा है कौन सी पोयम का है और किसने लिखी है, तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, फिर हम लिखेंगे रिस्क
रिटन बाय और कंपोज्ड भी लिख सकते हैं. रिटन बाय जैनेट रैन. आया समझ में? रेफरेंस में हमको बस ये बताना होता है कि जो हमारा स्टेंजा है, जो हमें दे रखा है, वो कौन सी पोएम का है और किसने लिखा है. ठीक है, यही चीज हर हर पोएम में यही चीज हमको करनी है. बस पोएम और पोएट का नाम चेंज होगा, बाकी तो सब सेम है. बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की. कॉन्टेक्स्ट में ये बताना होता है कि जो ऊपर हमारा जो स्टेंजा है वो क्या कहना चाह रहा है. एक्सप्लेन नहीं करना, शॉर्ट में बताना है कि जैसे टू लाफ वाला जो स्टेंजा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें क्या था, हंसना में हंसने में पागल दिखने का रिस्क है, वीपिंग रोने में भी भावुक दिखने का रिस्क है. तो कंटेक्स्ट, आई एम सॉरी मेरा मार्कर गिर गया. हाँ, गॉट इट. ठीक है, तो कंटेक्स्ट में हम लिख देंगे कि एवरीथिंग वी डू, द पोएट सेज दैट, ये चीज स्टार्ट ऐसे करनी है, द पोएट सेज दैट एवरीथिंग वी डू हैज रिस्क और वी कैन से इन्वॉल्व्स रिस्क. आया समझ में? कॉन्टेक्स्ट में हमको बस शॉर्ट में लिखना है कि क्या बताना चाहता है इसमें. अब बात करते हैं, रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की. तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे. आफ्टर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कम्स. तो एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे, हम पहले ये देखेंगे जो हमारा स्टेंजा है वो कौन से नंबर का स्टेंजा है. जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा लिया है तो हम ये लिखेंगे दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम. ओपनिंग लाइन्स मतलब फर्स्ट स्टेंजा. ठीक है, फिर हमको क्या करना है कि जो स्टेंजा में लिख रखा है ना उसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है. ज़्यादातर वर्ड्स हम स्टेंजा से उठाएंगे, थोड़े से वर्ड्स हम हमारे दिमाग से लगाएंगे. देखो, इट सेज दैट एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क. ठीक है, द पर्सन हु लाफ फाइंड्स हिमसेल्फ लुक्ड एट एज अ फूल. जो इंसान हंसता है उस लोग उसको वो ये चीज देखता है कि लोग उसको एक पागल की तरह देख रहे हैं. दस वीपिंग इज ऑल्सो रिस्की ऑफ बींग कॉल्ड सेंटिमेंटल. इसी प्रकार रोने में भी रिस्क है भावुक कहलाने का. Likewise, if someone goes out to help someone, there is a risk of being judged. ठीक है, तो हमने वही जो हमारा स्टैंजा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, सो वी आर डन विद फर्स्ट पोएम रिस्क. आप लोगों का होमवर्क पता है क्या है, फर्स्ट स्टैंजा तो मैंने बता दिया, बाकी के जो स्टैंजा है ना उनके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करने हैं और खुद से करने हैं. ट्राई करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ठीक है, सो थैंक यू सो मच.